अभी किसी ने बताया कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ नहीं था। आप आश्चर्य कीजिएगा कि क्यों नहीं था। सभी किताबों में तो यही बात लिखी हुई है। तो भाई सिद्धार्थ में संधि है, सिद्ध प्लस अर्थ सिद्धार्थ होता है। इसको संस्कृत व्याकरण में दीर्घ संधि कहा जाता है और संधि का कंसेप्ट पूरी दुनिया के किसी भी भाषा में संस्कृत को छोड़कर नहीं है। और जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय संस्कृत भाषा नहीं थी, उस समय जाति प्रथा नहीं थी, उस समय वैदिक सिविलाइजेशन नहीं थी। इसलिए इस प्रकार की जितनी भी अफवाहें आप इतिहास में पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। डीडी कोसंबी जो भारत के सबसे बड़े इतिहासकार हुए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उनकी एक किताब है जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास डीडी कोसंबी का जब पढ़िएगा तो उन्होंने शुरू में ही लिख दिया है कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था। सिद्धार्थ नाम उनके अनुयायियों ने बाद में दिया उन्हें। यह डीडी कोसंबी ने लिखी है यह बात अपनी किताब में। तो अभी दूसरी बात सुने ये कि वैदिक सभ्यता के बाद बौद्ध सभ्यता आई। तो वैदिक सभ्यता के बाद बौद्ध सभ्यता जब आई तो हमको इस बात का आप जवाब दीजिए कि ऋग्वेद में दो बार स्तूप शब्द का जिक्र कैसे है। वो स्तूप किस सभ्यता का प्रतीक है? ऋग्वेद में दो बार स्तूप शब्द का प्रयोग है और बुद्ध शब्द का भी प्रयोग है। वो कहां से आया? भारत में जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि संस्कृत से प्राकृत भाषा का विकास हुआ, यही उल्टा है। प्राकृत भाषा अब तक जो भी हम लोगों के वो पुरातात्विक सबूत मिलते हैं और जिस भाषा को जिस लिपि को भारत के इतिहासकार पढ़ सके हैं उस आधार पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्राकृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। क्योंकि भारत के जो भी शिलालेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे मिलते हैं। सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख हैं सब प्राकृत भाषा में है। संस्कृत भाषा का जो सबसे पुराना शिलालेख मिलता है वो 150 ईस्वी का मिलता है जूनागढ़ से रुद्रदामन का। तो ईसा से पहले हम लोग के पास संस्कृत में लिखा हुआ न कोई शिलालेख उपलब्ध है, न ताम्र पत्र है, न सिक्के हैं, न स्मारक है, कुछ भी नहीं है। आप किस अवैज्ञानिक युग में जी रहे हैं कि मौखिक रूप से कुछ भी कुछ बोल रहे हैं? भाई बुद्ध इतने बड़े वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति थे। आप भी वैज्ञानिक तरीके से अपना डेवलपमेंट कीजिए और जांच कीजिए, कोई हवा हवाई बात तो है नहीं। तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जिसको पढ़ा जा सका है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता को माइनस कर दीजिएगा तो प्राकृत है। प्राकृत का मतलब है हुआ प्राकृतिक, पहले का किया हुआ। इस अर्थ में लीजिए या दूसरे अर्थ में लीजिए, प्राकृत मतलब प्राकृतिक, नेचुरल, और उसको संस्कारित की हुई भाषा संस्कृत है।
तो संस्कृत संस्कार की हुई भाषा है, तो किस भाषा का संस्कार हुआ? आपके पास कोई जवाब है? तो संस्कार होता है नेचुरल चीज का। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड का विरोध किया, तो आप उल्टा बोल रहे होते हैं। यह उल्टा है। गौतम बुद्ध ने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, गौतम बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड का भी विरोध नहीं किया। तब बुद्ध कर क्या रहे थे? मेरे भाई, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्तूप मिला है। हमारे भारत के सारे इतिहासकार कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में वो जो स्तूप है उसका शुद्ध नाम मोहनजोदड़ो है। ये टूटा फूटा इतिहासकारों ने उसको मोहनजोदड़ो कर दिया है, उस सब छोड़ दीजिए, मैं कितनी बात बताऊंगा। लेकिन वो जो स्तूप है मोहनजोदड़ो का, वो भारत के इतिहासकार कहते हैं कुषाण काल का है। अभी रिपोर्ट आ गई है विदेशी इतिहासकारों का, उनका मानना है कि मोहनजोदड़ो में जो स्तूप है वो खुद सिंधु घाटी सभ्यता की है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज भारत में स्तूप की खुदाई में हुई है। अभी जो गुजरात में लोथल है वहां भी स्तूप मिला है, जो हड़प्पा है वहां भी स्तूप मिला है, जिस स्तूप को मटियामेट कर दिया गया है उस स्तूप का तस्वीर आज भी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है, हड़प्पा में स्तूप मिला है, लोथल में स्तूप मिला है। आप कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं भाई? सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से बौद्ध सभ्यता थी। तो आप कहेंगे कि क्या सिंधु घाटी के समय में गौतम बुद्ध थे? गौतम बुद्ध नहीं थे, गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, और इसका हम लोगों के पास आर्कियोलॉजिकल सबूत है, एविडेंस है, और साहित्यिक सबूत भी है। आप भरहुत स्तूप जानते होंगे कि भरहुत में एक स्तूप था जिसके शिलालेख ज्यादातर कलकत्ता म्यूजियम में रखे गए हैं। उस भरहुत स्तूप पर लिखा हुआ है, आपको पढ़ना होगा तो मेरे पास है, आप पढ़ सकते हैं ब्राह्मी लिपि में, उसमें विपस्सी बुद्ध का भी नाम है, कोरागमन बुद्ध का भी नाम है, कश्यप बुद्ध का भी नाम है। बुद्ध से पहले और बुद्ध हुए, 28 बुद्ध हुए, और एक बुद्ध का कार्यकाल अगर 50 वर्ष मानिएगा तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हुए, तो 50-50 वर्ष जोड़िए, 28 से गुणा कीजिए, तो आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। स्वयं सम्राट अशोक ने कोणागमन बुद्ध का निगलवा सागर में स्तूप था, उस स्तूप का रिपेयर कराया था। सम्राट अशोक भारत में स्तूप का निर्माता पहला नहीं था, सम्राट अशोक से भी पहले स्तूप थे। मैं थोड़े कह रहा हूं, आप निगलवा सागर जाइए, देखाइए, पढ़ाइए, वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक यहां आए और कोणागमन बुद्ध के स्तूप को रिपेयर कराए और दुगुना करवाए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि कोणागमन बुद्ध थे। आप फाहियान ने जो यात्रा वृतांत लिखी है उसका 21वां अध्याय पढ़िए, अब तो हिंदी में भी आ गई है, ओ चाइनीज भाषा में नहीं है। 21वां जो चैप्टर है फाहियान का, फाहियान पैदल जाकर करके बुद्ध से पहले के 3 बुद्ध का स्तूप देखे हैं, लिखा हुआ है 21वां खंड में, अगर किसी के पास है तो खोलिए दिखाइए। और यह भी लिखा हुआ है कि कोणागमन बुद्ध का स्तूप कहाँ है, किस जगह है, कितनी दूरी है, मैं जा रहा हूं, दाहिने है, बाएं है, दक्षिण है, उत्तर है, पश्चिम है, सब लिखा हुआ है डायरी में। कश्यप बुद्ध का कहाँ है स्तूप, सब मेंशन है, हवा हवाई बात नहीं है। तो सम्राट अशोक के अभिलेख में कोणागमन बुद्ध की चर्चा है, फाहियान ने 3-3 बुद्ध का स्तूप खुद पैदल जाकर के देखा, भरहुत के स्तूप पर 3 बुद्ध की चर्चा है, सांची के स्तूप पर 7 बुद्ध की चर्चा है। ये भाई आर्कियोलॉजिकल सबूत है,
आप जिस भारत का इतिहास भरहम और साची स्तूप और फरियान का यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिख रहे हैं तो उनकी लिखी हुई बात को आप झूठ क्यों मानते हैं? अगर फरियान में झूठ ही लिखा है तो आपका इतिहास फिर सच कैसे है? इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं 1300 या 1400 मेमोरी से भी उतर गया है, इतना पहले वो बुद्ध थे, यह बात फरियान ने अपनी डायरी में लिखी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।